परिचिताएँ पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ और सभी बच्चों को कोई दिक्कत हो इसके लिए सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जीरो चीटिंग पॉलिसी के लिए मुख्यमंत्री और आप लोग मीटिंग में भी मौजूद थे, एनएसए और एससीए सारी कार्रवाई। बिल्कुल पैनिक क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं, बच्चों को प्रतिभा के आधार पर परीक्षा देने का अवसर मिलेगा, उनको अंक सर्वोच्च मिले, इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। सर, विधानसभा की तरफ से अब्दुल्ला आजम खान की सदस्यता रद्द कर दी गई है, समाजवादी पार्टी बीजेपी को दरअसल कोर्ट के मामले में इस प्रकार के बातचीत करना ठीक नहीं। सर, आज त्रिपुरा में चुनाव शुरू हो रहा है, किस तरह से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी चुनाव सभी सीटों पर जीतेगी, प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी वहाँ। सर, मुख्यमंत्री कल एक कार्यक्रम में थे, उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र रहेगा, ये तो आप जानते ही हैं। एक और सवाल है सर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि कल उनके ऊपर झगड़ा किया गया, उनको मारने की कोशिश करी गई है, अभी इस बात की मुझे जानकारी नहीं, अखबारों से मिली है, अधिकारियों से बात करके बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।